हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम विभाज्यता के नियम जो इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज विभाज्यता के नियम ही पढ़ते हैं। तो पहले लिख लीजिए मैथ, गणित पढ़ रहे हैं हम लोग। विभाजिता का नियम इससे फर्स्ट लेक्चर में मैंने विभाज्यता के नियम का कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखाया था और पढ़ा भी था, और दो और तीन से विभाज्यता के नियम भी पढ़ा था। आगे चलिए हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। दो और तीन हो गया है, आज हम लोग पढ़ेंगे चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अट्ठारह, उन्नीस के बाद तेईस के बाद सत्ताईस और उनतीस के विभाज्यता के नियम हम आज लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे, इसी संख्या के विभाज्यता के नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो टेंथ हो, एलेवेंथ हो, ट्वेल्थ हो, नाइन्थ हो, सिक्स से लेकर के ट्वेल्थ तक के सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना। तो जिनका टेंथ, एलेवेंथ, ट्वेल्थ में भी मैथ कमज़ोर है या टेंथ में, तो उनको भी ये बेसिक चीज़ है, पढ़ना चाहिए। तो आप सारे लोग को ये लेक्चर सभी के लिए है और सबको इस लेक्चर से बेनिफिट है, क्योंकि ये मैथ का बेस है। और इससे पहले लेक्चर में हम गुणज, गुणनखंड वगैरह भी पढ़े थे, तो उस लेक्चर को अगर आप लोग देख लीजिएगा तो गुणनखंड, गुणज वगैरह भी आप लोगों का ठीक हो जाएगा। और ख़ास करके मैं फिर से बताना चाहूँगी कि ये लेक्चर सभी के लिए है, जनरल है। आप सारे लोगों के, जिनका भी मैथ कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग है, एक बार रिविज़न के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में दो और तीन के विभाज्यता के नियम पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में अब इससे आगे पढ़िए। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो तीन का जब हम पढ़े थे तो हम इसलिए ब्रेक कर दिए थे कि लंबा लेक्चर हो जाता, आप लोग देखते नहीं। अगर देख भी लेते तो फिर आप लोगों को गुणनखंड और गुणज याद नहीं रहता। तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तीन के बाद छः, नौ करना सही रहेगा चार से पहले, क्योंकि मिलता जुलता है तो बेहतर होगा। तीन के बाद छः और नौ का विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़ लें। तीन के बाद हम छः का विभाज्यता के नियम। छः की विभाज्यता के नियम, बेसिकली छः की विभाज्यता के नियम बहुत सिंपल है। जो संख्या दो एवं तीन से विभाज्य होती है वो संख्या छः से विभाज्य होगी। जो संख्या दो एवं तीन से विभाज्य हो वो संख्या छः से पूर्णतया विभाज्य होगी।
जैसे ले लीजिए चौबीस एग्जाम्पल, चौबीस दो से विभाज्यता के नियम है जिसके इकाई स्थान में दो चार शून्य दो चार छः आठ रहे, वो दो से विभाजित इसके इकाई स्थान पे चार है तो बारह दूनी चौबीस, ये दो से विभाज्य होगी। अब तीन से देखिए, तीन से विभाज्यता के नियम है जिस संख्या का योग तीन का गुणज हो, तो दो प्लस चार इक्वल टू छः और छः भागा तीन इक्वल टू दो, तो ये संख्या दो एवं तीन दोनों से विभाज्य है इसलिए ये संख्या छः से पूर्णतया विभाज्य होगी। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसके आगे अब हम चलते हैं। और इसे आप लोग याद भी रखिएगा ज़्यादा बेहतर होगा। छः के बाद नौ से विभाज्यता के नियम, नौ से विभाज्यता के नियम, दी गई संख्या संख्या का संख्या का योग नौ का गुणज, यदि दी गई संख्या का योग नौ का गुणज हो तो वो संख्या नौ से पूर्णतया विभाज्य होगी। एग्जाम्पल, नौ का पहाड़ा है नौ अठारह नौ तीय सत्ताईस नौ चौक छत्तीस, ऐसे ये नौ का टेबल हो गया। अब देखिए दी गई संख्या ले लेते हैं छः और दो बासठ, अब छः प्लस दो एक ना बासठ ले लिए, तो छः प्लस दो इक्वल टू आठ, ये नौ का गुणज नहीं है तो ये नौ से विभाज्य नहीं होगी। तिरसठ लीजिए, छः प्लस तीन इक्वल टू नौ, ये नौ से पूर्णतया विभाज्य होगी। तो नौ से विभाज्यता के नियम बहुत सिंपल है, तो दो तीन छः नौ पढ़ लिए, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ाते हैं क्योंकि विभाज्यता के नियम का चैप्टर बड़ा है और हमें जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। आप पाँच से चार से ले लीजिए, तीसरा नंबर में हो गया चार से विभाजित, एक मिनट, चार से विभाज्यता के नियम। बेसिकली जिस संख्या के जिस संख्या के इकाई एवं दहाई स्थान पर डबल जीरो हो या फिर चार का गुणज हो, वो संख्या चार से पूर्णतया
विभाज्य होगी। एग्जाम्पल लिख लीजिए 6400। अब इसके इकाएँ और दहाएँ स्थान पर डबल शून्य है तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे देख लीजिए 4 से विभाज्य करके 4 गांच 4 चार 4 बारह 4 चौको 16 जब 4 छक 24 और डबल शून्य, ये 4 से विभाज्य हो गई। अब देखिए 2, 4 और 8 भागा 4 48 है। तो ये तो साफ है कि ये 4 से विभाज्य हो गए। 4 6 24 4 2 8 इकाई और दहाई स्थान जो है वो 4 का गुणज है तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। चलिए आगे चलते हैं, 5 से विभाज्य था कि नियम। पाँच से विभाजिता के नियम बहुत सिंपल है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 अथवा 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल 450 भागा 5, 5 9 45। इकाई स्थान पर 0 है। अब 5 6 5 भागा 5, 5 1 5 5 1 5 5 3 15 इकाई स्थान पर 5 है तो ये संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त हो गई। अब 7 से विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। सात से थोड़ा ट्रिक है इसमें और कुछ नहीं है। 7 से विभाज्यता के नियम दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 से गुना करके बचे हुए संख्या से घटाने पर यदि आया हुआ संख्या अगर 7 का गुणज है तो संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल सबसे मेन होता है समझना। एक्चुअली 7 से विभाज्यता के नियम में अक्सर एग्जाम्पल ही दिया होता है लेकिन लिखवाना जरूरी होता है कि अगर ये याद रहेगा तो आप लोग एग्जाम्पल नहीं भी याद रखिए चल जाएगा। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए 6 5 7 तो अब इकाई स्थान पर इसका क्या है 2। अब 6 5 7 - 2 का दोगुना कर दिए 4। अगर इतना लंबा अंक लीजिएगा तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 6 2 4 ले लीजिए। अब इसके इकाई स्थान पर क्या है 4 तो 6 2 में से 8 घटा दिए तो 12 से 8 गया 4 और ये बच गया 5 54।
54 तो 7 से विभाजित नहीं होता है। अब देखिए जैसे ले लीजिए 627। अब इसके क्या है स्थान पर क्या है 7 है। अब 62 माइनस 14 12 में से 4 गया 8 और 5 में से 1 गया 4 ये भी 7 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि ये 7 का गुणनखंड गुणज नहीं है। अब देखिए 63 ले लीजिए इसके इकाई स्थान पर क्या है 3 6 2 5 4। तो इस तरीके से हम देखेंगे जिसके इकाई स्थान के डबल करने पर और उसमें से दी गई संख्या में से माइनस करने पर 7 का गुणज हो जाए वो संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब चलिए इसी के साथ 8 का विभाजिता के नियम जानते हैं। आठ से विभाजिता के नियम सिंपल है। 4 से पढ़े तो उसमें लिखे डबल जीरो, 2 से पढ़े तो उसका विभाजिता के नियम था एगो जीरो, तो 8 से क्या होगा ट्रिपल जीरो। जिस संख्या के इकाई दहाई एवं सैकड़ा के स्थान पर ट्रिपल जीरो हो अथवा 8 का गुणज हो तो संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। अब हम नीचे लिखा देते हैं 11 का। जैसे इसमें लिख लीजिए पहले एग्जाम्पल 5 0 3 6 8 6 4 8। अब आप बोलिएगा मैम ऐसा आप क्यों पहले बना दी। इससे बहुत ट्रिक है यह 11 का विभाजिता के नियम है। दी गई संख्या के अल्टरनेट अल्टरनेट के योग अगर 11 से योग के इकाई स्थान पर अगर 0 हो तो संख्या 0 हो अथवा 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब इसमें देखिए जैसे 5 + 3 + 8 + 4 = 20।
इसके क्या स्थान पर क्या है, जीरो है, तो संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब 11 के बाद 12 का लिखिए, बारह से विभाजिता के नियम, आप लोग 3 और 4 से विभाजिता के नियम पढ़ लिए हैं, तो जिस संख्या में 3 और 4 की विभाजिता के नियम लागू होगा वो संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। जो संख्या तीन एवं चार से विभाजित हो वो संख्या 12 से पूर्णतया विभाजित होगी। 3 और 4 की विभाजिता के नियम जो है, अगर उसको अप्लाई करके देख लीजिए, अगर वो संख्या 3 और 4 से विभाजित है तो संख्या 12 से विभाजित होगी। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट है 13, 7, 19, 23, 29, ये संख्या ज्यादा प्रयोग में आता है तो इसके विभाजिता के नियम याद रखना जरूरी होता है, लेकिन फिर भी हम टोटल लिखा देते हैं। 13 से विभाजिता के नियम लिखिए, 13 से दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 से गुना कर दे एवं बचे हुए संख्या में जोड़े। जोड़ने पर अगर संख्या 13 का गुणज हो तो संख्या 13 से पूर्णतया विभाजित होगी। बहुत इम्पोर्टेंट था। अब 14 से विभाजिता के नियम की तरफ चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी लिखवाना लंबा है तो जल्दी जल्दी में करें। चौदह से विभाजिता के नियम, अगर दी गई संख्या 2 एवं 7 से विभाजित है तो संख्या 14 से पूर्णतया विभाजित होगी। 2 और 4 का विभाजिता के नियम आप लोगों को, 7 का विभाजिता के नियम आप लोगों को पहले याद होगा तो उससे 14 का विभाजिता के नियम सिंपल है।
15 के विभाजकता के नियम बहुत सिंपल है। जो संख्या 3 एवं 5 से विभाजित हो जी, वो संख्या 15 से भी पूर्णतया विभाज्य होगी। सिंपल है, जो संख्या 3 और 5 से विभाजित होगी वो संख्या 15 से पूर्णतया विभाजित होगी। चलिए अब हम 17 का लिखवाते हैं। 17 और 19, 23 और 29 बहुत इम्पोर्टेंट है। सत्रह से विभाजता के नियम दी गई संख्या के इकाई अंक को 12 से गुना करने पर और बची हुई संख्या में जोड़ने पर अगर 17 का गुणज हो तो संख्या 17 से पूर्णतया विभाजित होगी। नोट डाउन कीजिए। आगे 19 बचा है, विभाजकता के नियम है, दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 से गुना करने पर बचे हुए संख्या में जोड़ने पर अगर 19 का गुणज हो तो संख्या 19 से पूर्णतया विभाजित होगी। नोट कीजिए। ट्वेंटी थ्री के विभाजकता के नियम है, दी गई
संख्या के इकाई अंक को 7 से गुना करने पर प्राप्त संख्या को बचे हुए संख्या में जोड़ने पर अगर 23 का गुणज है हो तो संख्या 23 से पूर्णतया विभाजित होगी। नोट डाउन कर लीजिए, 29 का लिख लीजिए, फिर चैप्टर लास्ट है। इकाई अंक दी गई संख्या के इकाई अंक को 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या को बचे हुए संख्या में जोड़ने पर अगर 29 का गुणज हो तो संख्या भी 29 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि मैम अगर हम करते हैं, लंबा संख्या है, अगर एक बार करते हैं तो हमको पता नहीं चलेगा कि वो 29, 23 या 17 का गुणज है कि नहीं, तो फिर हम कैसे पता कर पाएंगे? उसके लिए हम आपको एक एग्जांपल समझा रहे हैं। जैसे देख लीजिए, तीन सौ बाईस ले लीजिए, 322 छोड़िए, आप 468 ही ले लीजिए, और 468 पर आप 13 का विभाजिता का नियम लगाइए। इकाई स्थान को 4 से गुना करने पर 8×4=32 दी गई संख्या में से घटाने पर 46 में दी गई संख्या जोड़ने पर तो 46+32 32 तो दी गई संख्या में जोड़ दीजिए तो 46+32=32 78। अब 78 में अगर आपको नहीं पता चले 13 के विभाजन तो 78 पे फिर इकाई स्थान पे क्या है 8, अब 8×4 = 32, अब इसके 7+32=7 2×9=3।